जालंधर में आज लोकसभा उपचुनाव को लेकर डीसी जसप्रीत सिंह और पुलिस कमिश्नर कुलदीप चहल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इलेक्शन को लेकर की जाने वाली व्यवस्था के बारे में बताया गया और सिक्योरिटी को लेकर क्या प्रबंध रहेंगे इस बारे में जानकारी दी गई। बता दें आपको कि कल इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रेस वार्ता करके चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए डीसी जसप्रीत सिंह ने बताया कि मतदान की तारीख 10 मई 2023 तय हुई है और अकाउंटिंग की तारीख 13 मई 2023 है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर असला धारकों को तुरंत असला जमा कराने के भी आदेश दिए गए हैं। अगर कोई नहीं करवाता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। हम सारे को पता है कि जलंधर लोकसभा हल्के की जी जिमनी जोन है वो रिलेटिड अज आप इतने ब्रीफिंग इकट्ठे हुए हैं। सो लास्ट डे ऑफ नॉमीनेशन जी है वो 20/4/2023 तक लास्ट डे ऑफ नॉमीनेशन असी एक्सैप्ट करा उस वालों डिसाइड किया गया। पोल जी है अपनी 10 मई 2023 होगी तो बड़े ही शॉर्ट टाइम तो बाद ही 13 तरीक नी जी है काउंटिंग का प्रोसीजर जोड़ा है वो काउंटिंग होगी। जिले की एक ब्रीफ प्रोफाइल मैं तुम्हें दे देना कि किन्ने किन्ने साडे कोल पोलिंग स्टेशन ने ते बाकी सारी इनफॉर्मेशन। साडे कोल 1972 जिहड़े पोलिंग स्टेशन एग्जिस्ट करते हैं जी। टोटल साडियां 1164 पोलिंग स्टेशन लोकेशन के उत्ते पोलिंग स्टेशन है प्रीडोमिनेंटली जिहड़े है इन्हां चों रूरल पोलिंग स्टेशन ज़्यादा ने। 1234 पोलिंग स्टेशन रूरल एरिया दे विच पैंदे है ते 738 जिहड़े 738 साढ़े अर्बन पोलिंग स्टेशन दे विच पैंदे है। जलंधर फॉर योर इनफॉर्मेशन इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब जिहड़ा लार्जली सिंगल पार्लीमेंट्री कंस्टिट्यूएंसी जिहड़ी है वो साडी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज दे नाल कंटीग्यूअस है। सो दैट वे देर इज़ नो ओवरलैपिंग ऑफ एनी अदर डिस्ट्रिक्ट। पुलिस दे एंगल तो साडियां जिहड़ियां 9 कंस्टिट्यूएंसीज असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैगियां ने। 9 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज चों 5 जिहड़ियां ने वो प्रीडोमिनेंटली रूरल एरियाज दे विच पैंदियां ने SSP रूरल कोल ने। 4 जिहड़ियां ने वो कमिश्नरेट एरियाज दे विच पैंदियां ने। प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन दे बेसिस दे उत्ते असीं जिहड़े इलेक्टर एज ऑन डेट साडे कोल 16,18,512 वोटर्स साडे कोल एज ऑन डेट एग्जिस्ट करदे ने। तो थोड़े मीडिया के माध्यम राही मैं वोटर्स नूं भी यह कहना चाहना कि लास्ट डे ऑफ जिहड़ी नॉमीनेशन हुंदी है उदों तक तुसीं अपनी वोट बनवा सकते हो। सो 20/4/2023 तक जिन्हां दा भी साडे कोल फॉर्म रिसीव होगा फॉर्म नंबर 6 आऊगा कि तुसीं अपनी वोट बनाउणा चाहते हो उन्हां दी जिहड़ा है सप्लीमेंट लग के क्योंकि साडी लेटेस्ट ही हुणे समरी रिविजन जिहड़ी है वो कंप्लीट होई सी। तुहानूं पता है कि कमीशन वल्लों 4 डेट्स जिहड़ियां ने हुण उह इनकलूड कीतियां गईआं ने कि 4 एलीजिबिलिटी डेट्स हैं। पहलां उह 1 जनवरी हुंदी सीगी हुण 1 अप्रैल नैक्सट एलीजिबिलिटी डेट आ रही है। तो 1 अप्रैल में जिहड़े बच्चे एलीजिबल होणगे 18 साल तो उत्ते होणगे एक तां असीं उन्हां नूं इनकलूड कर रहे हैं प्लस उस तो इलावा भी जे किसी ने अपनी वोट नहीं बनाई तो लास्ट डे ऑफ जिहड़ा नॉमीनेशन है 20/4/2023 तक अपनी वोट बनाऊगा तो उन्होंने अख्तियार होगा कि अपनी जिहड़ी जिमनी चोण है उहदे च पार्टीसिपेट कर सकदा। वोटर्स की एक ब्रीफ प्रोफाइल मैं थोड़ा दस दिना। लार्जेस्ट जिहड़ा साडा सैगमेंट है 9 साडे असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज है ने। सब तो व्डा वो नकोदर सत जो सा हल्का सब तो व्डा हल्का हैगा 252 वे बूथ पेंदे ने। लार्जेस्ट हल्का जिदे वोटर सब तो ज़्यादा ने वो हैगा फिलौर 30 फिलौर के सब तो ज़्यादा वोटर ने तकरीबन 2 लाख वोटर उत्थे है 1,99,176 वोटर साढ़े को एग्जिस्ट करता है। समॉलेस्ट जिहड़ा सैगमेंट है वो आदमपुर हल्का साडा हैगा 1,64,707 वोटर साढ़े को इतने ने क्योंकि जलंधर के सर्विस वोटर्स भी बहुत ने डिफेंस परसन 1852 साढ़े को सर्विस वोटर जिहड़े ने जिले के साडे को रजिस्टर ने। सर्विस वोटर्स नूं बेसिकली पोस्टल बैलेट की जिहड़ी फैसिलिटी है ETPBS इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्ड पोस्टल बैलेट सिस्टम उहदे थ्रू असी वोट्स पाउण दा अख्तियार उहनां नूं प्रोवाइड हुंदा। NRIs जिहड़े वोटर्स ने 73 साढ़े को वोटर जिहड़े ने एज NRI होकर रजिस्टर हुए ने। कमीशन का बहुत ज़्यादा जिहड़ा है फोकस रहिंदा है कि खास तौर के उत्ते जिहड़े दिव्यांगजन ने या परसन विद डिसेबिलिटी हैगे उन्होंने वोट पाउण दा अख्तियार उन्होंने बड़ा ईजी करना। सो असी प्रॉपर जिहड़ियां साडियां टीम सीगियां BLOs 1972 जिहड़े साडे बूथ है उन्होंने थ्रू असी इन्हां दी मैपिंग करवाई ते एज ऑन डेट साढ़े को 10,526 PWDs जिहड़े ने एज अ वोटर साढ़े को रजिस्टर हुए हुए हैं।
इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि साढ़े को 80 प्लस जोड़े वोटर्स ने जिन्हें उम्र 80 साल की हो चुकी है, उन्होंने एक स्पैशल फैसिलिटी कमीशन वालों दी जाती है कि एज अ पोस्टल बैलेट अपना पोस्ट वोट जोड़े वो कास्ट कर सकते हैं। 32,668 साढ़े को इदा के वोटर्स ने जोड़े 80 प्लस ने, 100 प्लस जोड़े ने 100 साल तो उत्ते जिन्हों की उम्र हो चुकी है 444 वोटर 444 वोटर साढ़े को इदा ने जोड़े कि 100 साल तो उत्ते उम्र के साढ़े को हुए हैं। तो दे आर आर बेसिकली स्वीप आइकनज ऑलसो इन्नी उम्र के बड़े एक्टिवली आके वो वोट पाते हैं। 18 से 19 साल के वोटर्स के उत्ते साडा बहुत ज़्यादा फोकस रहिंदा बिकॉज दे आर द वन, तुहानू पता है कि इंडिया एक इदां दा मुल्क है जिहड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंट नंबर ऑफ परसन जिहड़े ने बिलो 35 ईयर बहुत ज़्यादा ने। आई थिंक वी आर द लार्जेस्ट इन दैट नंबर। जलंधर के 18 से 19 साल के जो नवे वोटर्स बन रहे हैं 23,649 जोड़े इदा ने वोटर्स है जोड़े कि हूँ साढ़े को 18 से लैके 19 साल की उम्र के रजिस्टर हुए हैं। प्लस बहुत ज़्यादा फोकस जोड़ा साडा रहेगा वो रहेगा कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर के पक्षों सीपी साहब है SSP रूरल रिप्रजेंटेटिव हीयर कि लॉ एंड ऑर्डर के पक्षों जिन्या भी साड़िया हदायत कमीशन वालों आई हुई ने उन्होंने असी परपक रूप के इंप्लीमेंट करिए जिदे देखा होगा कि कोड लगते सार ही 144 के असी ऑर्डर करते थे आर्म्स एंड एम्यूनिशन जी है उन्होंने डिपोजिट किया जाऊगा जिनी भी हैगी है अंटरनलैस सानू एक असी रिव्यू बोर्ड बनाया जिस कमिश्नरेट पुलिस तो SSP रूरल तो मेरे वालों ADM साहब ADCG जिहड़े ने ही इज़ द रिप्रजेंटेटिव फ्रॉम माई साइड। दिस बोर्ड विल बेसिकली रिव्यू द परसन जिहड़े कहिंदे ने कि सानू एग्जेम्पशन चाहिए है एग्जेम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेट परसैप्शन। अदर दैन दैट जिन्ने भी साडे सिक्योरिटी एजेंसीज ने जिहड़ियां कि बैंक्स दे विच कैश या ATM कैश ट्रांसफर करदियां ने या बैंक के बाहर जोड़े गार्ड वगैरह लगे हुए हैं उन्होंने असी ब्लैंकेट एग्जेम्पशन देने तो बाद 144 ऑर्डर जारी किया है कि तुम अपने जोड़े हथियार ने जो थोड़ा एग्जेम्पशन नहीं दी गई तो या तो थाने या जिन्हें भी साढ़े लाइसेंस गन डीलर ने उन्होंने को डिपोजिट करना है जी। तो साडा मेन फोकस जोड़ा है वो रहेगा कि एक तो बड़ी शांतमई तरीके विदाउट एनी पार्शियलिटी इलेक्शन कंडक्ट हो प्लस जस्ट टू गिव बिट ऑफ जिहड़ी बड़ी ग्रेसफुली इलेक्शन होवे। तो उस तो इलावा असी मॉडल पोलिंग स्टेशन जिहड़े ने 9 हल्कों के 44 मॉडल पोलिंग स्टेशन असी एस्टैबलिश कर रहे हैं कमीशन की जिदा हदायतों ने वो कर रहे हैं प्लस 9 असी पोलिंग स्टेशन एक पोलिंग स्टेशन पर जिहड़ा हल्का वो कर रहे हैं जिहदे च इट विल बी कंप्लीटली मैनेज बाय आर वुमेन पोलिंग परसोनल दे विल बी देयर दे विल बी थॉरली ट्रेनड इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द EVM मैनेजिंग क्यू एवरीथिंग वो असी मैनेजमेंट करांगे। उत्थे सैक्टर सुपरवाइजर साढ़े को 184 सैक्टर सुपरवाइजर ने ये बेसिकली सैक्टर सुपरवाइजर BLOs तो उत्ते एक ने जेडे कि ऑन द डे ऑफ पोल साड़ी जिनी भी पोल डे मोनीटरिंग है उन्होंने ऑबजर्व करेंगे। इन्हों असी एग्जैक्टिव मजिस्ट्रेट का भी अख्तियार देवे कि इनकेस कोई लॉ एंड ऑर्डर डील करना पैंता है ऑन द डे ऑफ पोल ये उस दिन देखेंगे। दैन एक स्पैशल असी बूथ बना रहे हैं जिते साडे PWD परसोनल्स जोड़े होंगे उ मैनेज करेंगे उस बूथ नू सो दैट द स्पिरिट ऑफ इनकलूसिविटी स्पिरिट ऑफ एम्पावर गिविंग एम्पावरमेंट टू सच पीपल दैट इज़ ऑलसो डिस्प्लेड बाय आर ऑफिसर्स। तो इस बारी जी इलेक्शन की एक्सपेंसिज की लिमिट है वी ऑल नो सैक्शन 77 के इनहैंस हुई है साड़ी इट इज़ अ पार्लीमेंट्री इलेक्शन सो 95 लाख तक का जो खर्चा हैगा वह किसी भी कैंडीडेट वालों किया जा सकता। द डे इलेक्शन आर अनाउंस उदों तो ही साड़िया जीडिया FSTs है ने ते फास्ट सर्वेलेंस टीम आर स्टैटिक सर्वेलेंस टीम एंड साड़िया वीडियो व्यूइंग टीम वीडियो सर्वेलेंस टीम दे आर एक्चुअली मोबिलाइज दे आर ऑन द ग्राउंड एक एक चीज़ की जी नज़र है वो रख रही ने। ते इस तो बाद जिहड़ा साडा स्पेशल एक जी ऐप कमीशन वालों चलाई गई है फॉर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बीइंग इन प्लेस विच इज़ C-Vigil एनी यूजर कैन डाउनलोड दैट ऐप एंड किसी भी तरह की जो कोड की वायोलेशन होंगी है वो साढ़े को पहुँच सकता है विद इन 30 मिनट विल ट्राई की विल गिव आर बेस्ट शॉट जो असी रिजॉल्व करिए। तो उस तो बाद एक्सपेंडिचर मोनीटरिंग के उत्ते साड़ी बड़ी खास पैनी नज़र रहेगी डिस्ट्रिक्ट लैवल के उत्ते असी ते प्लस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी वाइज असी जोड़े है इलेक्शन मोनीटर इलेक्शन एक्सपेंडिचर मोनीटरिंग सेल्स एक्टिवेट किए हुए हैं जोड़े बेसिकली देखते हैं कि पर कैंडीडेट जो 95 लाख की लिमिट है उस दे विच विच ही जो पूरा खर्चा है वो होवे। देन अनदर थिंग इज फॉर मीडिया पर्पज ऑलसो वी हैव MCMC विच इज कॉल्ड मीडिया
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਐਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਬੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੋਟਰਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈਏ ਸੋ ਵਲਨਰੇਬਿਲਟੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਡਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਸਟਾਰਟਡ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ARO ਨਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਓਫੈਂਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲਨਰੇਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਸ ਨੂੰ ਦੈਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਕਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਆਲ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਬੈਨ ਔਨ ਇਲਸਿਟ ਲਿਕਰ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲਸ ਵਰ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਇਲਸਿਟ ਲਿਕਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੇਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਕਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਗੂਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆਲਸੋ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਬੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਐਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਨ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸੇਮ ਵੁੱਡ ਆਲਸੋ ਬੀ ਡਿਪਲੋਇਡ ਫੋਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਫੋਰ ਅਦਰ ਆਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ 27 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ PTZ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਦਾ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਅ 360 ਡਿਗਰੀ ਵਿਊ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹ EVMs ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ EVMs ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਸਵੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੋਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਸ ਲਈ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਡਮੀ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਡੈਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗ ਵੋਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਗੋ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਯੋਰ ਵੋਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਰਸੋਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਸਟਾਰਟ ਸੂਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਡੇ ਆਫ ਪੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀਫਾਈ ਔਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਗਿਵ ਯੂਅਰ ਆਈਡੈਂਟੀ ਆਈ ਜਸਟ ਰੀਡ ਆਊਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਲਿਡ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਜ਼ ਦੈਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੈਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PPO ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਵੈਲਿਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ PSUs ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਦਰ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ MPs MLAs ਦੇ ਪਲੱਸ UDID ਕਾਰਡ ਡਿਸੇਬਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ PWDs ਵੋਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 10,526 ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ UDID ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਔਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ NBWs ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਰਹੂਗਾ ਐਂਡ ਇਫ ਐਜ਼ ਐਨ ਵੈਨ ਇਫ ਕੋਵਿਡ ਸੀਕਸ ਸਪੀਕ ਔਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਦੈਟ ਬਾਇਓ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਨਾਓ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਂਡ ਇਟ ਓਵਰ ਟੂ CP ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ SST ਦੀ FST ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਸਿਟ ਲਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲਨੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਅਤੇ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੋ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਕੋਲ ਵੀ ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣੇ ਮੰਡੇ ਆਨਵਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲੀ ਸਾਡੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
एग्जेम्पशन बड़ी ही लिमिटेड लोगों को उन्होंने थ्रेट परसैप्शन के बेसिस के उत्ते ही होगी। अदरवाइज जो ब्लैंकेट एग्जेम्पशन असी दी हुई है सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी परसन एज वेल एज जो कितने बैंक के कैश वगैरह नाल डील करते हैं उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड बेसिकली सेंसिटिविटी जी तुम्हें दसिया वनरेबिलिटी मैपिंग जी है वो स्टार्ट की हुई है। सो पुलिस वालों जो आती है प्लस उस जो नवे ए आर ओ ज्वाइन किए हैं उन्होंने वालों आँगी उस तो बाद सेंसिटिविटी का एक एनालिसिस करके विल शेयर द ब्रीफ। नहीं 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 यह मैम कोई दिक्कत नहीं हैगी साढ़े को सफिशियंट ऑफिस है ऑफिसर है तो लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करने वास्ते असी साड़ी पुरजोर कोशिश है और वो मेनटेन ही रहेगा। नहीं नहीं असी हर सिचुएशन टैकल करने वास्ते साड़ी पुलिस जी है वो बिल्कुल रेडी हैगी है एंड असी जिन्हें भी ट्रबल मेकर है उन्होंने असी आइडेंटीफाई करें पहला तो ही असी उन्होंने जिन्ना भी होगा प्रिवेंटिव एक्शन लेने की लड़ है प्रिवेंटिव एक्शन लेवे और भी कोई कानूनी कोई कार्रवाई करने की लड़ा करा बट वी विल इंश्योर के इलेक्शन बिल्कुल पीसफुली होंगे। देखो वैबकास्टिंग जी वो टोटल 100% वैबकास्टिंग होगी साढ़े को 1972 बूथ है 1972 बूथ के उत्ते ही वैबकास्टिंग होगी। वैबकास्टिंग पब्लिक डोमेन के होंगी एनी वन कैन बेसिकली गो एंड सी। उस तो इलावा साडा कंट्रोल रूम होगा ऑन द डे ऑफ पोल जितों असी टोटल 1972 पोलिंग स्टेशन है उन्होंने असी मोनीटर करा कोई शैडो एरिया साढ़े जिले है नहीं बट फिर भी असं देख रहे हैं कि जो कोई इदा का फार फलंग बूथ है जिथे इंटरनेट की कनैक्टिविटी का इशू है उन्होंने असं ऑगमेंट कर रहे हैं बेसिकली। पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट के उत्ते भी 24 आवर्स के असं बहुत सारे बोर्ड बैनर वगैरह उतारे हैं। सो 48 आवर्स का हूँ जो दूजा साडा टाइम है वो शुरू होया है। सो वी हैव बेसिकली मेड 2 नोडल ऑफिसर्स कमिश्नर कारपोरेशन फॉर द सिटी एरिया एंड आर डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट ऑफिसर फॉर द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज रिमूवल हो रही है सिटी एरियाज कमिश्नर कारपोरेशन इज ऑन द जॉब। सो ही इज इंश्योरिंग कि जिनी भी साड़ी पब्लिक वे प्रॉपर्टी डिफेसमेंट हैगी है अदर दैन द जनरल पोलीटिकल कैंपेनिंग सॉर्ट ऑफ बोर्ड उस तो इलावा कोई जनरल भी है उन्होंने भी असं उतारी। हाँ जी वह साढ़े को आने का कंपोनेंट हजे साढ़े को दो कंपनियां है बट फाइनली हजे आना बाकी है तो उस तो बाद ही असं कुछ नहीं नहीं हजे कोई आइडिया नहीं है बट ये कि एज पर जो नॉर्म्स है ना एज पर जो नॉर्म्स है जो क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल है उस हिसाब न असी डिमांड असी भेजनी हैगी है एंड वो हिसाब न सूँ मिल जानी वो जड़ा कोई भी जो बूथ होंगे ना पोलिंग स्टेशन होंगे वह एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नॉर्म्स होंगे वो नॉर्म्स के मुताबिक ही लगनगी है सारी की सारी। देखो सी विजिल के उत्ते जिदा कोई कंप्लेंट सानू आती है सो वी हैव 30 मिनट्स के असं उन्होंने रिजॉल्व करते हैं विदिन 30 मिनट्स जी। तो उस तो इलावा जो कोई आती है कोई सीरीयस लैप्स हैगा दैन वी गो फॉर इनकुआरी एंड वील इनश्योर एक्शन इज टेकन क्योंकि MCC की वायोलेशन होगी विल गो फॉर एन एफआईआर। दैट डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ कंप्लेंट इफ इट इज अ वेरी सीरियस कंप्लेंट एंड वी नीड टू गो एंड गो फॉर यू नो फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल इन्वेस्टिगेट एंड गेट इट्स नॉट टाइम बार्ड इन टर्म्स ऑफ फॉर सी विजिल एंड एवरीथिंग एल्स 30 मिनट्स वी ट्राई टू रिजॉल्व। सॉरी की कह रहे हैं जी अनअकाउंटेड कैश सवेरे साड़ी जी जिन्हें बैंक्स ने उन्होंने भी मीटिंग हुई सी सो एनी सॉर्ट ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन विच इज सॉर्ट ऑफ अपीयर्स टू बी फ्रिवलस टू अस वे उत्ते साड़ी बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निगाह रहेगी। उस तो इलावा 50,000 इज द लिमिट 50,000 के उत्तों तुसी कोई भी अनअकाउंटेड जिहड़ा कैश है नहीं कैरी कर सकते कॉन्ट कैरी। जालंधर से दविंदर कुमार की रिपोर्ट SMZ News India।